टाटा ने अपनी नई कर्व एसयूवी की भाई टेस्टिंग बहुत ही जोरों शोरों पे चालू कर दी है और ये एक तरीके से प्रोडक्शन रेडी मॉडल बन चुका है। इस गाड़ी की जो डिजाइन है वो एक कूपे फॉर्मेट के अंदर है। कूपे फॉर्मेट वो होता है जिसके अंदर आपको एक एसयूवी के अंदर स्लोपिंग रूफ मिलती है। इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट वर्जन ऑलरेडी टाटा अपने ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर दिखा चुके हैं, जिसके अंदर इसमें 22 इंच के टायर लगाए गए थे जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। अलॉय व्हील का डिजाइन भी कुछ ज्यादा ही प्रीमियम था, ऐसा प्रोडक्शन मॉडल में तो आएगा नहीं, लेकिन अभी एक महीने के अंदर, एक से डेढ़ महीने के अंदर इसका लॉन्च होने वाला है और इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीजें मिलने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलने वाली है। दूसरी बात करें, इस गाड़ी का जो नया नाम फ्रेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि टाटा ने अभी रिसेंट में ही अपनी एक नई गाड़ी का नाम ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर कराया है। कॉम्पिटिशन की बात करें, इस गाड़ी का कॉम्पिटिशन सेल्टोस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा और होंडा की एलिवेट से होगा, जो कि 4 मीटर से ज्यादा की लेंथ रखती है। वहीं बात करूं इंजन ऑप्शन की, तो इसके अंदर एक डीजल और एक आपको पेट्रोल देखने को मिल जाएगा। डीजल तो इनके पास 1.5 लीटर वाला है ही, जो कि सदाबहार इंजन है। वहीं पे पेट्रोल की बात करूं तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन मिलेगा, जैसा कि इन्होंने ऑटो एक्सपो के अंदर दिखाया गया था, लेकिन बहुत हद तक संभावना है 1.5 का 4 सिलेंडर पेट्रोल टर्बो भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं इसके अंदर आपको इंजन में अगर 1.2 की बात करें तो 125 PS पावर, 225 Nm का टॉर्क और ये गाड़ी 7-speed DCT या जिसे DCA बोलता है टाटा और प्लस 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आ सकती है और इसका प्राइस एक्सपेक्टेड किया जा रहा है लगभग में 10.5 लाख रुपए। वहीं पे इसके अंदर अगर 1.5 लीटर का TGDI पेट्रोल इंजन आता है, जो कि इन्होंने ऑटो एक्सपो के अंदर शोकेस किया था, तो ये गाड़ी और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी, क्योंकि उस इंजन से जो पावर आउटपुट निकलेगा वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। 168 bhp और 280 Nm का टॉर्क। वहीं ये गाड़ी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-speed के DCA के साथ आएगी, तो जो DCA और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन की ट्यूनिंग है और जो इनका कॉम्बिनेशन है बहुत ही डेडली होने वाला है। जो टेस्ट म्यूल है कुछ कुछ आपको BMW और मर्सिडीज की कूपे की तरह लगने वाला है। वहीं पे इस गाड़ी के अंदर फ्रंट जो है आपको कुछ हद तक सिमिलर मिलेगा नई नेक्सॉन से, वहीं ORBM इसके नेक्सॉन वाले ही रखे गए हैं। साइड का लुक है वो कुछ कुछ सिडान की तरह लगता है, जस्ट लाइक आप कह सकते हो तेज टिगोर की तरह लगता है, टिगोर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ऐसा लगता है। वैसे टिगोर भी इनकी कॉम्पैक्ट सिडान की कैटेगरी में आती है, लेकिन जो उसका पीछे का लुक है वो एक कूपे वाला दे रखा है। इंटीरियर की बात करें, टच बेस HVAC कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बाकी सारे कंट्रोल टच बेस जो कि अभी रिसेंट में टाटा की हर गाड़ी के अंदर आते हैं वो मिलेगा। 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल डिजिटल मिलने वाला है आपको। 2 spoke का स्टेयरिंग व्हील इसके अंदर है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको 12.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा बेटर है और इस गाड़ी के अंदर आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, तो ये गाड़ी सेगमेंट किलर भी होने वाली है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।